हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गोल लाइन। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करा था और कह रहे थे कि सर आपने जुपिटर मनी का पासबुक यानी कि फेडरल बैंक को विजिट करके कैसे लिया था। वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाए कि आप भी मेरी तरह कैसे फेडरल बैंक में विजिट करके जुपिटर मनी का पासबुक इजिली ले सकते हो। गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें आपकी पासबुक की यानी कि जुपिटर मनी की पासबुक की कि आप कैसे ले सकते हो, तो गाइस सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और साथ ही साथ अपना पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर सिंगल आपके पास भी है तो भी चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास दोनों है तो गाइस बहुत ही बढ़िया हो सकता है क्योंकि आपका उस बैंक में एक केवाईसी हो जाएगा, एक फिजिकल केवाईसी हो जाएगा जिसके जरिए आप इजिली वहां से ट्रांजेक्शन वगैरह इजिली कर सकते हो, बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट किसी भी बैंक में अगर आप सबमिट करते हो तो वहां से एक केवाईसी हो जाता है और आप वेरीफाइड हो जाते हो कि सही से आप यहां से ट्रांजेक्शन इजिली कर सकते हो। ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप आधार कार्ड और साथ ही साथ अगर आप पैन कार्ड लेके जाते हैं या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कुछ और भी आईडी प्रूफ्स है तो गाइस वो सब भी ले जाके आप अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। मेनली जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो गाइस सिंपली आपको करना क्या है, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाना है अपनी नजदीकी फेडरल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके आप ले सकते हो। यानी कि आप मान के चलिए कि आपने अकाउंट खोला है अपने गाँव में, ठीक है, और आप फिलहाल रह रहे हो किसी सिटी में, तो गाइस आप सिटी में किसी भी फेडरल बैंक के ब्रांच में विजिट कर वहां से भी आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके अपनी नजदीकी फेडरल बैंक जाना है और वहां पे उनको कहना है यानी कि जो भी वहां पे यानी कि बैंक के अधिकारी बैठे रहेंगे वहां पे आपको जाना है, उनसे पूछताछ करना है, अपनी जुपिटर मनी की पासबुक के लेकर उनको जानकारी भी देना है कि हमको इसके लिए एक पासबुक चाहिए यानी कि जुपिटर मनी का पासबुक चाहिए जो कि जुपिटर मनी फेडरल बैंक के साथ लिंक है। अगर उनको इसके बारे में नहीं पता है, जब तक आप अपना अकाउंट नंबर शेयर नहीं करते हो तब तक वो लोग जो है सही से वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि अकाउंट किससे लिंक है और कौन सा बैंक इसके साथ टाइप किया हुआ है। लेकिन आप इतना जान लो कि आपको सही से अगर पासबुक चाहिए यानी कि स्टाम्प वाला पासबुक चाहिए तो आप फोटो भी ले जाके करवा सकते हो। मेरे केस में मैंने जो है फोटो ले जाना भूल गया था, इस वजह से मेरे पासबुक में किसी भी टाइप का स्टाम्प नहीं मारा गया था, लेकिन फिर भी मैं उससे काम चला सकता हूँ। अगर आप सही से एक बार में ही पूरा काम करवाना चाहते हो तो गाइस अपना एक पासपोर्ट फोटो के साथ साथ आधार कार्ड पैन कार्ड ये ले जाना ना भूले क्योंकि ये तीनों चीजें आपको पासबुक दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे ही बैंक अधिकारी आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछे तो गाइस तुरंत आपको वो डॉक्यूमेंट सारे जमा कर देनी है और उसमें जो है आपका फिजिकल साइन होना जरूरी है यानी कि उस डॉक्यूमेंट का जेरोक्स आपको करके उस पे आपका सिग्नेचर होना जरूरी है, तभी जाके जो है आपको एक फिजिकल पासबुक मिल जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जो है न्यू कस्टमर है, कुछ ही दिन पहले जो है आपने अकाउंट ओपन करा है, तो गाइस इसके लिए सिंपली आपको 119 रुपए पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन गाइस वही अगर मैं बात करूं, अगर आपका अकाउंट पुराना है, करीबन जब जुपिटर मनी लॉन्च करा था उसके 4 से 5 महीने के अंदर अगर आपने अकाउंट ओपन करा था तो गाइस आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको जो है फिजिकल पासबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। यानी कि उस टाइम जुपिटर मनी में एक ऑफर चल रहा था, उस सारे ऑफर्स के हिसाब से आपको जो है एक फिजिकल पासबुक भी फेडरल बैंक के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो गाइस ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात की ये आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, दूसरा ये कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा ये कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको लेके जाना पड़ेगा यानी कि अपने मोबाइल लेके जाना पड़ेगा साथ में, जिस मोबाइल से आपने जो है रजिस्टर्ड करा था जुपिटर मनी को, यानी कि उसमें जो है आपका अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे ही आप उनको दिखाओगे तो वो लोग सही से वेरीफाई करवा पाएंगे कि ये आपका अकाउंट जो है न्यू बैंक का है यानी कि न्यू जुपिटर मनी का है। इससे उनको ये आसानी हो जाती है कि जुपिटर मनी भी फेडरल बैंक के साथ लिंक है और इसके साथ आप पासबुक वगैरह या फिर इसके अलावा जितनी भी सारी सर्विसेस दे रहे हैं फेडरल बैंक के थ्रू वो सब भी आप इजीली ले सकते हो। इसके अलावा और जानकारी दे देना चाहूंगा, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर कहीं इसकी डिमांड करी जाती है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई और पासबुक नहीं है या फिर आपको सच में इसकी रिक्वायरमेंट है किसी काम के लिए या फिर आप कहीं लोन ले रहे हो या फिर कहीं कॉलेज में जमा करना है या फिर फाइनेंस वगैरह करवाना है, तो गाइस इन सारी केसेस में ये पासबुक काफी हेल्पफुल रहेगा। एक और सबसे बड़ी बात कहना भूलिएगा गाइस कि आपको जो है एक सर्कुलर नंबर उनको प्रोवाइड करवाना है। वैसे तो उन लोगों के पास रहता है सर्कुलर नंबर यानी कि जुपिटर मनी का सर्कुलर नंबर रहता है, लेकिन फिर भी आपके पास होना जरूरी है यानी कि आपको रिक्वायरमेंट है पासबुक की। तो गाइस इसके लिए सिंपली मैं इस वीडियो के डिस्प्ले में ऐड कर दूंगा कि आपके अकाउंट का सर्कुलर नंबर क्या है। साथ ही साथ मैं ये भी जानकारी दे देना चाहूंगा,
जिन लोगों ने जो है जुपिटर मनी का अकाउंट ओपन करा है वो सारे लोगों का जो है जुपिटर मनी का सर्कुलर नंबर सेम ही होने वाला है, क्योंकि गाइस ये एक न्यू बैंक है। न्यू बैंक में क्या होता है कि ये एक ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर है, इस वजह से क्या है कि एक ही आपको सर्कुलर नंबर मिलता है हर एक कस्टमर के लिए। सर्कुलर नंबर तभी देना है गाइस जब वो लोग कहें कि आपको पासबुक यहाँ से प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा भी वो लोग अगर नहीं माने तो आप जो है जुपिटर मनी के कस्टमर केयर को कॉल करके इसलिए बता सकते हो कि यहाँ से जो है इस बैंक ब्रांच से मुझे फिजिकल पासबुक नहीं मिल रहा है, जबकि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इनको देने के लिए तैयार हूँ। वो लोग जो है फिर से उनसे डील करेंगे और उनको जो है एक सर्कुलर नंबर दे देंगे। अगर आपकी सर्कुलर नंबर से वो लोग नहीं मान रहे तो गाइस आप उनसे जो है एक बार लाइव बात करवा देना, तभी जाके वो लोग सही से समझ सकेंगे। मेरे भी केस में ऐसा ही हुआ था गाइस, मुझे भी नहीं मिल रहा था लेकिन मैंने जो है कस्टमर केयर से लाइव बात करवाया, उन्होंने एक सर्कुलर नंबर दिया जो कि सबके लिए सेम होता है। जैसे ही उन्होंने सर्कुलर नंबर दिया, जैसे ही मैंने उनसे बात करवाया यानी कि कस्टमर केयर से बात करवाया, तुरंत कुछ ही देर में मुझे जो है फिजिकल पासबुक देने के लिए वो एग्री हो गए और 5 से 10 मिनट बाद मुझे जो है फिजिकल पासबुक इन हैंड दे भी दिए। तो गाइस ये थी मेरे कंडीशंस में, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो गाइस आप भी जो है इस तरह का ऑप्शंस यूज कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। साथ ही साथ गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर हैं तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा कुछ और भी सवाल हो तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।